नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप अपने टीवी से पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें म्यूजिक और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक पेन ड्राइव होना जरूरी है। मेरे पास ये 16 GB का पेन ड्राइव है और मैं इसे अपने टीवी से कनेक्ट करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको टीवी पे दिखाता हूँ कि इसे कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको अपने टीवी के बैक साइड में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ ये USB के 2 पोर्ट दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक पोर्ट में आपको पेन ड्राइव को डालना है। तो मैं इसे डाल देता हूँ। अंदर डालने के बाद आपको टीवी ऐसे सही से करने देना है। अब आपको टीवी को ऑन करना है। तो ये टीवी ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको अपने रिमोट से सोर्स का बटन दबाना है। ये बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिनमें से आपको USB का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले आखिरी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है USB का और उस पर ओके कर देना है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोज, म्यूजिक, वीडियो और फाइल ऑप्शन आ गए हैं। तो मुझे वीडियो प्ले करने हैं, इसलिए वीडियो ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पेन ड्राइव के सभी फोल्डर्स आ गए हैं, उनमें से आपको वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है और ओके बटन दबाना है। और अगर आपको स्क्रीन बड़ी करनी है तो आप यहाँ पर प्ले नाम का बटन देख सकते हैं, उसे दबा दीजिए तो स्क्रीन भी बड़ी हो जाएगी और आप फुल स्क्रीन पर वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरवर्ड रिवर्स बटन से भी आगे पीछे वीडियो को ले सकते हैं। यह बटन भी आपको अपने रिमोट पे मिल जाएगी और इसमें पॉज स्टॉप का भी बटन होता है, जिससे आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों